सो गर्ल्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल सो ये क्या होता है दिस इज अ पैराबोला पी इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला आपने एक टेंजेंट ड्रा की पैराबोला पे और ये नॉर्मल ड्रा की दिस इज द एक्सेज ऑफ द पैराबोला यू नो दैट दिस इज द एक्सेज ऑफ द पैराबोला सो आपकी टेंजेंट जहाँ पे एक्सेस को कट कर रही है उस पॉइंट को बोला टी और नॉर्मल जिस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है उसको बोला जी एंड पी से हमने एक प्रपैंडुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द एक्सिस ऑफ द पैरा बोला एन देन पी टी इज़ नोन एज द टेंजेंट पी जी इज़ नॉन नोन एज द नॉर्मल दिस टी एन इज़ नोन एज सब टेंजेंट एंड जी एन इज़ नोन एज सब नॉर्मल सो ये सब टेंजेंट और सब नॉर्मल मे फर्स्ट टर्म न्यू टर्म्स हैं आपके लिए सो so, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल सो लेट अस सी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में सो जो मैट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ पैराबोला की जो हमने करनी है फर्स्ट है प्रूव दैट सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज बायसेड एट द वर्टिक्स सो सब टेंजेंट क्या थी टी एन यू हैव टू शो दैट टी एन is bisected at the vertex of the parabola so a is the vertex so iska matlab hame kya show karna hai that at is equal to an so dekho kya kiya inhone that p x1 y1 be any point tangent ki equation nikal sakte hain hum t equal to 0 karke ye nikal li उसके बाद ये x axis को कहाँ कट करेगा y को zero put कर देंगे तो जब आपने इसमें y को zero put किया जब आपने इसमें वाई को ज़ीरो पुट किया तो ये देखो वाई को ज़ीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू ए कैन नॉट बी जीरो एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू तो ज़ीरो सो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन सो अगर पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमा वाई वन थे तो एन के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वन जीरो और टी के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस एक्स वन जीरो सो दैट मीन्स एटी इज इक्वल टू ए एन इज टू माइनस ए एन लिख के And th that means the two lengths are equal. So, that means subtangent is bisected at the vertex. Next, hai, prove that the subnormal at any point of parabola is constant and equal to half the latest rectum. So, subnormal kya aata hai? normal draw the axis cut g point And this g n is known as subnormal. Now, we have to show that subnormal is constant. मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एकक्वल टू हाफ द लेटेस्ट एक्टम सो लेटेस्ट एक्टम होता है फोर है हाफ द लेटेस्ट एक्टम का मतलब टू है सो इसका मतलब लेंथ ऑफ दिस सब नॉर्मल जी एन शुड भी टू है तो अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें दोनों के कॉर्डिनेट्स पता होने चाहिए सो पी के कॉर्डिनेट्स एक्स वन कामा वाई वन है तो एन के कॉर्डिनेट्स एक्स वन कामा जीरो आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एट पी निकाला यहाँ से स्लोप आ गई टू ए बाय वाई वन उससे हमें नॉर्मल की स्लोप मिली माइनस वाई वन बाई टू एंड ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई सो so, आप चाहो तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के दिखा सकते हो यहाँ से स्लोप फॉर्म में सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई उसके बाद आप क्या करोगे इसमें वाई को ज़ीरो पुट करोगे तो so, जब आप इसमें वाई को ज़ीरो पुट करोगे यहाँ पर तो आपके पास ये आ रहा है एक्स सो एक्स इज़ कमिंग टू बी एक्स वन प्लस टू ए सो दैट मीन्स जी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए एक्स वन प्लस टू ए कॉमस जीरो सो क्लियरली जी एन क्या हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही हैं तो जी एन को मैं ए जी माइनस ए एन लिख सकती हूँ सो so, वो अपने आप टू ए आ जाएगा विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू हाफ द लेटेस्ट एक्टर सो इजी है बिल्कुल नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं प्रूव दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर

तो ये देखो ये फोकस है और ये टेंजेंट एट पी है इस टेंजेंट एट पी से हमने एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट के ऊपर ये प्रपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट के ऊपर सो फुट ऑफ प्रपेंडिकुलर बन गया एम तो हमें इस एम का लोकस फाइंड करना है एंड फिर हमने ये शो करना है कि ये एम का जो लोकस है इट इज़ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स सो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है वाई एक्स इज़ दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसका जब हम लोकस लेंगे तो हमारे पास एक्स जीरो आना चाहिए सो लेट एस सी सो एम इज़ द फुट ऑफ प्रोपेंडिकुलर तो एम के कॉर्डिनेट्स हम कैसे निकालें हमने ले लिया लेट पी बी एनी पॉइंट तो ये ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म ठीक है सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इसका मतलब इस टेंजन की स्लोप हो गई एम अब ये जो लाइन है ये तीन जन के प्रपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप होगी माइनस वन बाई एम एंड इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ई कॉमन जीरो सो इक्वेशन ऑफ एस एम विल बी y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम इंटू एक्स माइनस ए सो ये y की वैल्यू आ गई नो no, y की वैल्यू नहीं आई ये एस एम की इक्वेशन आ गई अब हमें m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो m के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू तो ये आप आगे भी याद रखना अगर हमें कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस लेना होता है तो देखो दो मेथड्स हैं एक तो ये है कि आप नंबर वन और नंबर टू को सॉल्व करो फॉर द वैल्यूज़ ऑफ़ एक्स एंड वाई जैसे कि अगर मैं नंबर वन एंड नंबर टू को सॉल्व करती हूँ तो दोनों में से वाई इक्वेट कर देते हैं मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स बाई एम प्लस ए बाई एम इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम सो ये ए बाई एम ए बाई एम हो रहा है आई एम गेटिंग

यस yes. जब अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो को नंबर वन या नंबर टू में पुट करूंगी तो वाई आई विल गेट ए बाई एम तो अब इनका लोकस लेना है आपको सो so, इसका लोकस लेने का मतलब होता है आपको एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेटिंग स्मॉल एम लिसन टू दिस वेरी केयरफुली ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा सो so, देखो मैं दोबारा से बोल रही हूँ मैंने नंबर वन और नंबर टू को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया एक्स ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू ए बाई एम नाउ आई हैव टू टेक लोकस ऑफ दिस पॉइंट एम तो आपको पता है जब आप लोकस लेते हो तो बेसिकली आपके पास कोई कंडीशन आ रही होती है सो so, वो कंडीशन कैसे आती है बाय एलिमिनेटिंग एम बिटवीन एक्स एंड वाई लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो आप एक्स और वाई के बीच में से एम को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एम आई नहीं रहा तो आप कैसे रिलेशन फाइंड करोगे इन दोनों के बीच में सो लेट अस सी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो आपको पता है एक्स इक्ल टू ज़ीरो का मतलब तो वाई एक्सिस हो गया ना अब वाई इज ईक्ल टू ए बाई एम का मतलब है वाई कैन टेक एनी वैल्यू बिकॉज एम इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो डिफरेंट टेंजेंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स होगी तो इसका मतलब वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी देखो ये टेंजेंट बनाई थी तो एम स्लोप थी अगर मैं टेंजेंट को ऐसे बना देती तो एम की वैल्यू चेंज हो जाती इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं सो दैट मीन्स लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज़ वाई एक्सिस सो आई वॉज टेलिंग यू कि जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड करना होता है तो आपके पास दो मैथड्स होते हैं एक तो ये होता है कि आप दोनों को सॉल्व करो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालो उन दोनों में से एम जो भी आपका पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करके उनके बीच में रिलेशन आ जाता है दूसरा मेथड ये होता है कि हम डायरेक्टली वन और टू में से ही एम को ही एलिमिनेट कर दें सो so, इन्होंने ऐसे ही किया है वी वॉन्ट टू फाइंड द लोकस ऑफ कैपिटल एम विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स वन एंड टू फॉर दिस वी एलिमिनेट स्मॉल एम फ्रॉम वन एंड टू तो जब आप वन एंड टू से स्मॉल एम को एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सो so, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपने एक्स वन वाई वन को एक्स वाई बुड करना होता है तो ये तो ऑलरेडी एक्स की फॉर्म में ही आ गया सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस एंड दिस रिप्रेजेंट्स वाई एक्स इज एंड वाई एक्स इज इज़ द टेंजेंट एट द वर्ट एक्स ए आगे हम और क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो आपको ये पॉइंट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट है डाया मीटर और दिस इज़ ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली डाया मीटर की डेफिनेशन होती है ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स ऑफ अ पैराबोला देखो अगर मैं एक पैराबोला ड्रा करती हूँ और मैंने उस पैराबोला में बहुत सारी पैरल कोड्स ड्रा किए हैं दीज आर दैरल कोड्स सो सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स हो गई इन सब का मिड पॉइंट देखो मिड पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूं, इन सब पैराबोलास का ये मिड पॉइंट बनेगा एंड इनका लोकस मतलब इन सब पॉइंट्स को जॉइन करके जो सरफेस बन रही है और आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी सो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स ऑफ अ पैराबोला इज़ अ स्ट्रेट लाइन

नाउ टेकिंग लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन आई गेट वाई इज इक्वल टू टू ए बाय सो दिस इज़ क्लियरली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ पैरल टू द एक्स एक्सेस दैट इज एक्सेज ऑफ द पैराबोला सो ये डेफिनेशन दिए इन्होंने द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड अ डायामीटर नाओ एक्सट्रीमिटी ऑफ अ डायामीटर ये हम ये देखो वाई इज इक्वल टू टू ए बाई एम डायामीटर एक्सट्रीमिटी फाइंड करनी है यानी कि ये तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डाया एंड पैराबोला हो गया ना तो y इज इक्वल टू टू ए बाई एम को इसमें पुट कर देंगे सो so, पैराबोला में y इज इक्वल टू टू ए बाई एम पुट किया यहाँ से सो so x की वैल्यू मिल गई ए बाई एम स्क्वायर सो एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर इज़ ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम नाव अगर आप देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इस डाया पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं अच्छा क्यों निकाल रहे हैं एक मिनट हमने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा आर्टिकल पढ़ते हैं सो एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर एंड द पैराबोला एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द डायामीटर नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ पैराबोला इज पैरल टू द कोड्स बाय सेक्टेड बाय द डायामीटर तो ये देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी पैरेलल कोड्स थी जिनको इस डायामीटर ने बायसेक्ट किया और उन सब कोड्स की स्लोप हमने एम ली थी हमने ये शो करना है अगर मैं एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायामीटर पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये टेंजेंट भी इन कोड्स के पैरेलल होती है तो उसके लिए पहले उन्होंने एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर फाइंड कर ली बाय सब्स्टिट्यूटिंग वाई इज इक्वल टू टू ए बाई एम इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसे एक्स की वैल्यू मिल गई ए बाई एम स्क्वायर और ये एक्सट्रीमिटी आ गई अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है टी इक्वल टू जीरो करके कर सकते हैं सो so, वही क्या है वाई वाई वन ठीक है इज इक्वल टू टू ए इंटू फोर ए होता है ना तो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू वाला टू कैंसिल करके टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन सो इसको जब इन्होंने सॉल्व किया तो इनके पास ये मिल गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इसका मतलब इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो एम है और यहाँ पे जो पैरेलल कोड्स थी उनकी स्लोप भी एम थी और टेंजेंट की स्लोप भी एम आ गई सो दैट मीन्स दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड्स बाय सेक्टेड बाय द डायमीटर नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ एनी कोड ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स देखो टेंजेंट्स कहाँ ड्रा करनी है एट द एंड ऑफ एनी कोड ऑफ सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स तो ये सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स के कि कोई एक कोड हमने कंसिडर की और उनके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रा कर दी वी हैव टू शो दैट दिस टेंजेंस मीट ऑन द डाया मीटर विच बायसे द कोड तो ये जो सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स हैं इनके लिए ये डायामीटर था वी हैव टू शो दैट दिस टेंजेंट्स विल मीट ऑन दिस डाया सो वट दे आर डूंग देव सेट लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला भी वाई इसको इक्वल टू फोर ए एक्स क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स के लिए स्लोप एम लेते हैं तो पी क्यू की इक्वेशन इन्होंने ले ली वाई इज इक्ल टू एम एक्स प्लस सी लेट द टेंजेंस टू द पैराबोला नंबर वन एट पी एंड क्यू मीट इन आर अब अगर यहाँ पर जो टेंजेंस हैं वो आर पे मीट करती हैं तो पी क्यू जो है वो इस पॉइंट के लिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया सो so, इसकी कोड ऑफ़ कॉन्टैक्ट हम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू जीरो करके सो so, ये कोड ऑफ़ कॉन्टैक्ट निकाली टी इक्ल टू जीरो करके वो ये आ गई नाउ बोथ नंबर टू एंड नंबर थ्री आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइंस सो रेशो ऑफ देयर कोफिशियंस शुड बी इक्वल सो यहाँ से वाई वन की वैल्यू मिल गई टू ए बाई एम वाई वन की वैल्यू टू ए बाई एम ये जो वाई वन है ये ये है ना इसका मतलब ये जो वाई वन है ये इस वाई इज इक्वल टू टू ए बाई एम को सेटिस्फाई करता है दैट इज़ इट लाइज ऑन द डायामीटर सो दे आर सिंह कि अगर मैं इसका लोकस ले लूँ तो वाई इज इक्वल टू टू ए बाई एम आ जाएगा विच इज द इक्वेशन ऑफ डायामीटर दैट बायसे द सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स हैंड्स द रिजल्ट सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर वन द जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स इज़ टू एक्स प्लस वाई इज़ प्लस के इक्वल टू जीरो वट इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर तो हमने देखा था अगर एम स्लोप होती है सिस्टम ऑफ पैरल कोड्स की तो इक्वेशन ऑफ डायामीटर इज़ टू ए बाय एम सो यहाँ से अगर आप देखो इस इक्वेशन की स्लोप क्या आएगी माइनस टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई करके तो इक्वेशन ऑफ डायामीटर विल भी वाई इज इक्वल टू टू ए यहाँ से कितना आ गया थ्री बाई टू सो टू इंटू थ्री बाई टू ओ ओवर एम माइनस टू y is equal to minus 3 by 2 or 2y plus 3 equal to 0 will be the equation of the corresponding diameter so next example if sy be perpendicular to the tangent at a point p on the parabola so p-p tangent rocky and sy is given to be perpendicular हुज फोकस इज एस एंड वर्ट एक्स इज ए पैराबोला का फोकस और वर्ट एक्स की वन है वी हैव टू प्रूव दैट वाई लाइज ऑन टेंजेंट एट एंड एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस इन टू एस पी सो अगर आप देखोगे ये जो एग्जाम्पल है ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम है एज प्रॉपर्टी नंबर थ्री भी यही थी ठीक है सो so, यहाँ पर भी वही प्रूव करना है बट साथ में यहाँ पे ये भी प्रूव करना है दैट एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस इंटू एस पी एस इंटू एस पी तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस भी चाहिए थे तो इन्होंने अब पैरामीट्रिक फॉर्म में कर लिया पी ए टी स्क्वायर को हमारा टू ए टी ले लिया देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी इज दिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से वन बाई टी आई है दैट मीन्स लोप ऑफ एस वाई आ जाएगी माइनस टी ए कॉमा जीरो से वो पास कर रहा है पॉइंट तो ये इक्वेशन ऑफ आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू एस प्रपैंडुलर टू नंबर वन सो अब देखो मुझे वन और टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो टी को एलिमिनेट कर दिया वन और टू में से तो एक्स जीरो आ गया पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन नंबर टू वाई इज इक्वल टू ए टी नॉ कैपिटल वाई के कॉर्डिनेट्स आ गए ज़ीरो कॉमा ए टी

एस पी निकल जाएगा ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लिया सो एस इंटू एस पी इज इक्वल टू दिस ये सॉल्व किया ये आ गया एंड क्लियरली इट इज़ इक्वल टू एस वाई स्क्वायर सो इज़ी है नेक्स्ट है आपके पास ये एक्सरसाइज फाइव एच सो ये एक्सरसाइज आपने करनी है फ़ाइव एच एंड उसके बाद आती है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड इसके साथ हमारा चैप्टर पैराबोला का फिनिश हो गया